नहीं, मुझे कन्नड़ा फिल्म करना है। सो हिंदी फिल्म तो अभी तो ये लैंग्वेज का जो बैरियर ब्रेक करके लोग देख रहे हैं, सो कन्नड़ा फिल्म लेके करके मैं डब करके लेके आके इधर रिलीज करता हूँ। अगर आप क्वेश्चन पूछा तो मैं इधर ही देखता हूँ, वो प्रॉब्लम है। कनाडा में रिलीज किया, इट वाज द मंथ ऑफ सितंबर। पहले कनाडा में रिलीज किया हम लोगों ने, लेकिन कनाडा लोग को पहले थैंक्स कहना चाहता हूँ, क्योंकि वो लोग वर्ड ऑफ माउथ इतना एक वाइल्ड फायर जैसा स्प्रेड किया जो सारे दुनिया को रीच हो गया। इसके बाद हिंदी से और तेलुगू, तमिल, मलयालम से हमको ज़्यादा डिमांड आया, तो हम तुरंत डब करके रिलीज़ किया है। लेकिन वो कनाडा में क्या रिस्पांस था, वही रिस्पांस सारे दुनिया में मिला है। सो कनाडा में वन ऑफ द टॉपेस्ट फुटफॉल हो गया था, वो चार हफ्ते से ख़त्म हो गया था, वो मैक्सिमम फुटफॉल किए थे लोग। सो बहुत खुशी हो रहा है, एक होमबाड़े फिल्म 6 महीने पहले KGF दिया है और 6 महीने के बाद अभी कांतारा इतना बड़ा हिट कर दिए। सो KGF ये होमबाड़े फिल्म्स को भी मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ और सब ऑडियंस को। अभी मतलब एक लैंग्वेज बैरियर छोड़ के लोग ऐसा एक रीजनल रूटेड, एक ट्रेडिशनल, हमारा जो रिचुअल्स क्या है, हमारा ट्रेडिशन क्या है, हमारा रूट्स का जो उसको कहानी क्या है, वो सुनने के लिए मन कर रहे हैं लोगों को। तो वो ऐसा एक स्टोरी लेके आया दुनिया की सामने, मैं वो अप्रिशिएट करके इतना बड़ा हिट कर दिया, सबको मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। साथ ही सर, द रीजन बिहाइंड द टाइटल कांतारा, वो सभी जानना चाहेंगे, प्लीज कुछ बताना चाहेंगे उस बारे में। कांतारा बोले तो आपको एक मिस्टीरियस फॉरेस्ट है। बेसिकली ये कहानी एक एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर है, तो वो भी एक फॉरेस्ट के अंदर, मतलब ये मनुष्य और प्रकृति के बीच में जो संघर्ष होता है वो इधर एक्सप्लोर करने का जो आइडिया था, इसलिए मैं कांतारा एक लेजेंड रखा था उधर। नहीं, वो ऐसा नहीं है, मतलब मैं वो नहीं मानता हूँ, क्योंकि हिंदी फिल्मों का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इंडियन सिनेमा को। सो एक सीजन रहता है ना, सो एक अप्स एंड डाउन होता रहता है। बहुत अच्छे अच्छे फिल्म से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी दिए है। सो अभी लोगों को ज़्यादा ऐसा रूटेड रीजनल कंटेंट पसंद हो रहा है, तो वो हो रहा है अभी बस। मतलब वो सिनेमा देख के बहुत खुशी हुई थी उनको। एक मैं एक बहुत बड़ा फ़ैन हूँ रजनी सर का बचपन से। वो बुला के, घर बुला के एक घंटा मुझे पूरे पिक्चर के बारे में बात करते थे और कहानी के बारे में, हर सीन्स के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में। सो बहुत एक ब्यूटीफुल मोमेंट था मुझे वो। नहीं, कंगना जी पिक्चर देख के इमीडिएटली शी रिकॉर्डेड अ वीडियो एंड पोस्टेड इन सोशल मीडिया, एंड विवेक अग्निहोत्री जी और शाहिद कपूर भी फ़ोन करके विश किए थे, बहुत सारे लोग। अभी अभी मैं आने समय में जूनियर NTR जी ने, तारक जी ने फ़ोन किए थे अभी। सो बहुत सारे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। बहुत खुश हो रहा है, तो उसके आगे ज़्यादा ये दो चीज़ें नहीं है, एक्साइटमेंट और एक्सपेक्टेशन मेरे मुझे। सो नॉर्मल तो पहले कैसा था मैं ऐसा ही देख रहा हूँ मैं, लेकिन एक रीजनल रूटेड कहानी में बिलीव करके लेके आके लोगों को पेश किया था। सो वो अभी इतना बड़ा सेलिब्रेशन हो रहा है, मतलब इतना अच्छे से ले रहे हैं लोग, तो वो देख के खुशी होती है। नहीं, मुझे कन्नड़ा फिल्म करना है। सो हिंदी फिल्म तो अभी तो ये लैंग्वेज का जो बैरियर ब्रेक करके लोग देख रहे हैं, सो कन्नड़ा फिल्म लेके करके मैं डब करके लेके आके इधर रिलीज करता हूँ। थैंक यू सो मच, विल ट्राई माई बेस्ट। सो अभी ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, सो अनाउंस करने समय में कर देते हैं हम लोग। थैंक यू सो मच।
एक रीजनल रूटेड कंटेंट लेके आया था मैं, वो आप इतना बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर कर दिया। सो आपका जो कॉन्फिडेंस अभी आप लोग पूछ रहे और पिक्चर देखने चाहते हैं करके, और ऐसा ही नया नया कहानी लेके आके आके आपके सामने में पेश करता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू। अरे अरे जगह जगह